सावन की शुरुआत। 19 साल बाद 59 दिनों तक रहेगा सावन। भोले की भक्ति से किन को मिलेगा सब कुछ। 59 दिनों में किन के होंगे बारे न्यारे, किन राशियों पर बरसेगी भोले की कृपा, देखो सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ आज मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। इस बार 4 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि 19 साल बाद कई दुर्लभ संयोग में सावन का महीना आया है और वो भी 59 दिनों के लिए, क्योंकि इस साल 2 महीने तक सावन का महीना रहेगा। सावन का महीना यानी कि शिव भक्ति का समय, और इस समय हर कोई महादेव को प्रसन्न करने में जी जान लगा देता है, क्योंकि सावन में ही महादेव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम मयंक जी से जानेंगे कि दुर्लभ संयोग में आ रहे इस सावन माह में कौन सी वो चुनिंदा 6 राशियां हैं जिन्हें इन 59 दिनों के अंदर अंदर महादेव की कृपा से सब कुछ मिलेगा जिसकी वो कामना रखते हैं। बताइए मयंक जी। बिल्कुल, देखिए सावन का महीना जो है कविता जी, हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्रमा पर आधारित है। चंद्रमा के आधार पर इसका निर्धारित किया जाता है, इसका निर्धारण होता है। और सावन का महीना जिसको हम श्रावण बोलते हैं कि श्रावण मास में होता है, ये तकरीबन 30 दिनों का होता है, क्योंकि ये वर्ष जो है अधिक, इस महीने एक महीना अधिक रहेगा तो वो अधिक मास जो है श्रावण मास का पड़ रहा है, तो इसलिए तकरीबन 59 दिनों का ये श्रावण मास होगा। अब लगभग 2 महीने मान लीजिए, 4 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक का ये समय रहेगा जी। और इस महीने में सोमवार का विशेष महत्व होता है। कहते हैं ना, इसे भगवान शिव को समर्पित किया जाता है, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। इससे बेहतर महीना कोई और हो ही नहीं सकता है। तभी कहते हैं भोले की भक्ति का मौका आया है उन्हें प्रसन्न करने का। सावन के महीने का आगमन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है, जो अक्सर जुलाई या अगस्त के आसपास पड़ती है। और सावन का महीना जो है, इस बार जैसे हमने बताया कि दो महीने का ये होगा। और इस महीने में 8 सोमवार पड़ेंगे, तो शिव भक्तों के लिए इस बार तो बहुत ही अच्छी बात है कि 8 सोमवार भोलेनाथ को प्रसन्न करें, भोलेनाथ की आराधना करें, व्रत करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उपासना और व्रत करने से भगवान शिव की, जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, कहते हैं ना उनके विवाह होता है, उन लड़कियों के विवाह के योग बनते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि आती है, जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती और आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को समर्पित इस माह में पूजा, ध्यान, जप करने से और ब्रह्मचर्य का पालन करने से, मांस मदिरा का सेवन ना करने से, तभी जाकर सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। और धार्मिक कार्यों को करने से ऐसी मान्यता यह है कि भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उन्हें पूर्ण आशीर्वाद भोलेनाथ का मिलता है। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आप मानसिक रोगी रहते हैं, आपकी कुंडली में चंद्रमा शनि, केतु, राहु या बुध के साथ है, चंद्रमा अष्टम भाव में है, चंद्रमा नीच का है, तो निश्चित रूप से भोलेनाथ की आराधना हमेशा करनी चाहिए। श्रावण मास में भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में किसी ने कहा है कि काल सर्प दोष है जी, या विषकन्या योग है कुंडली में, तो भोलेनाथ को प्रसन्न करें, या पितृ दोष है तो भी भोलेनाथ को प्रसन्न करें, तो सभी तरह के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यानी कि 100 बात की सिर्फ एक ही बात है कि कोई भी बड़े से बड़ा संकट भी इन 59 दिनों के अंदर छू मंतर हो सकता है भगवान शिव की भक्ति से। और आइए वो चुनिंदा 6 भाग्यशाली राशियों पर चलते हैं। बताइए मयंक जी। देखिए वो चुनिंदा 6 भाग्यशाली राशि कौन सी है वो बता देते हैं। पहली राशि है कविता जी मेष राशि। मेष राशि वालों को श्रावण मास में, यानी कि श्रावण मास को आप 2 महीने का मानिए, ये हम 2 महीने के हिसाब से बता रहे हैं जी, कि जुलाई और अगस्त में मेष राशि वालों को काम कारोबार में विशेष सफलता मिलेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सुख साधन बढ़ेंगे और आपके विवाह के भी योग बनेंगे। रुके हुए कार्य यहाँ मेष राशि वालों के पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों आपके लिए इस समय बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगा। दूसरी राशि देखिए, दूसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ये जो समय रहेगा ये काफी बेहतरीन रहने वाला है। वो किस लिहाज से, आपके वैवाहिक जीवन में खुशी आएंगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी, संतान की तरक्की होगी, काम कारोबार अच्छा चलेगा, जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के योग बनेंगे और आपके सभी कार्यों में पूर्ण सफलता हासिल होगी, काम कारोबार हो, नौकरी व्यवसाय हो, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तीसरी राशि, तीसरी जो राशि बनती है वो है सिंह राशि।
सिंह राशि वालों के लिए समय काफी बेहतरीन रहेगा और सिंह राशि वाले बड़े खुश हो जाएं। काफी लंबे समय के बाद ये दो महीने भोलेनाथ उनके ऊपर असीम कृपा बरसाने वाले हैं। सुख साधन बढ़ेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। अगर आप नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल कर सकते हैं, विशेष लाभ मिलेगा। चौथी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी समय काफी शानदार रहने वाला है। बात करें तो उनके जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां चल रही थी वो दूर होंगी इस समय पे जी। और उनके सभी कार्य पूर्ण होंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, काम कारोबार में भी सफलता मिलेगी। और अगर जो लोग नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं या नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं वृश्चिक राशि वालों, तो ये अच्छा समय रहेगा। पांचवी राशि है कविता जी धनु राशि। जो देव गुरु बृहस्पति की राशि है जी। इन राशि वालों के सुख और सौभाग्य की वृद्धि हो रही है। यहाँ आपके विवाह के योग बनेंगे और लव मैरिज होने की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्याएं चल रही थी तो वो भी समस्याएं दूर होंगी और विशेष लाभ मिलेगा। सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी, काम कारोबार अच्छा चलेगा और जो लोग निसंतान है उनके घर में संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। और आखिरी जो राशि है हमारी मीन राशि है। मीन राशि वालों के लिए भी ये जो समय रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा। इनके घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा, आपके भाई या बहन का रिश्ता तय हो सकता है और ससुराल पक्ष से भी आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी। ये समय आपके नौकरी व्यवसाय के लिए अच्छा रहेगा, यानी जुलाई और अगस्त का महीना, लेकिन जोखिम भरे कार्य ना करें। धन लाभ का योग तो बन रहा है लेकिन धन जो खर्च करना चाहते हैं वो सोच समझ कर करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ ही वाणी पर संयम रखना चाहिए। बिल्कुल, तो ये वो चुनिंदा 6 राशियां हैं जिन्हें सावन के इन 2 महीनों के अंदर अंदर शिव की भक्ति से, शिव की कृपा से जो भी वो चाहें उनकी तमाम मनोकामना पूर्ण होकर ही रहेंगी। इसके साथ ही कविता जी दर्शकों को ये बता दें कि सावन के महीने में क्या क्या करना चाहिए कि भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करें, फटाफट से बता देते हैं। देखिए, भोलेनाथ को आप धतूरा, बेलपत्र, इत्र, चंदन, केसर, अक्षत, शक्कर, गंगाजल, पंचामृत, शहद, दही, घी, गन्ना, लाल और सफेद पुष्प जो भोलेनाथ को प्रिय है ये प्रत्येक सोमवार या सावन के महीने में रोजाना चढ़ाएं तो विशेष लाभ मिलेगा, या किसी भी सोमवार को चढ़ाने से विशेष लाभ मिलेगा। भोलेनाथ को कच्चा दूध, शहद निश्चित रूप से चढ़ाएं और जल भी चढ़ाएं और वहां जाके ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव चालीसा का जाप करें, जिससे आपकी सभी जो मनोकामना है पूर्ण हो जाए। और रुद्राक्ष की माला से अगर आप शिव चालीसा करेंगे, उनकी आरती करेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ अगर उनको भभूत लगाएंगे तो भोलेनाथ जो है विशेष प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं जो पूर्ण करेंगे। और अब अंत में कि श्रावण मास में क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, श्रावण मास में मांस मदिरा का सेवन, अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए और कोशिश करें कि ब्रह्मचर्य का भी पालन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी के बारे में कभी गलत ना सोचें, किसी का बुरा ना करें, झूठ ना बोलें, सात्विक विचारधारा रखें, सात्विक भोजन करें, हल्का भोजन करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और इस महीने में कहा जाता है कि दूध का सेवन थोड़ा कम करना चाहिए और जो भारी खाना होता है उसका सेवन भी कम से कम करना चाहिए, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। चलिए, इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।